पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स, राइट? ये काफी नई तरह की प्रॉब्लम है बहुत लोगों के लिए, और इसको समझना काफी इजी है और एप्लीकेशन में तो ये और ज्यादा इजी है। बस एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यहां क्या गिवन है, एक डिस्क मान लीजिए, एक डिस्क गिवन है। इस डिस्क का मास एम रेडियस आर है, राइट? ये कंप्लीट डिस्क है, राइट? जिसका इनिशियल मास कितना है एम। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक सेक्शन को कार्ड आउट कर लिया, मतलब मैंने एक कैविटी क्रिएट कर दिया, ठीक है? मैंने जैसे इस मास को निकाल के फेंक दिया, अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है? चलिए कैसे निकालें। हमें पता है कि जब ये एंटायर डिस्क थी तो इसका सेंटर ऑफ मास इसकी सेंटर पे ही था, लेकिन क्योंकि मैंने राइट साइड से मास निकाल लिया है, तो बच्चों बताओ मुझे ये जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया या राइट में? आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि जिधर हैवियर मास होगा उधर शिफ्ट होना ही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट? चलिए मुझे यही निकालना है कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक? इसको करते कैसे, यहां पे हम एक नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आप बोलोगे कि भाई मास नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन एक नेगेटिव मास को अगर मैंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है? देखिए मैंने क्या किया कि ये कैपिटल एम मास था, मैंने इसका मास निकाला। पहले तो क्या निकाला मैंने कि व्हाट इज द मास ऑफ द कैविटी। मैंने मान लिया कि मास ऑफ द कैविटी है एम डैश या स्मॉल एम, ठीक है? कैविटी का मास कितना माना मैंने, स्मॉल एम। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लस एम यहां पर रख दूंगा और माइनस एम यहां रख दूंगा। मतलब मैंने मास को ऐड किया और मास को सब्ट्रैक्ट किया। क्या मैंने कोई चेंज किया? नहीं, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने कोई चेंज नहीं किया सिस्टम में, तो मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसा बना दूंगा फिर से कि प्लस एम मैं इस डिस्क को दे दूंगा और माइनस एम मैं यहां रख दूंगा इस साइड पर। ये मैंने माइनस एम रख दिया, राइट? ये डायग्राम ऐसा है नहीं, मैं आपको बता रहा है बस कि ये उस साइड रखा है। मतलब अगर मैंने ओरिजिन यहां कंसिडर किया है तो ये तो बन गया कंप्लीट डिस्क और ये बन गया माइनस एम की एक डिस्क, माइनस एम की एक छोटी डिस्क बन गई है, करेक्ट? अब देखिए, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं इसकी पोजीशन, राइट? तो हमने लिया है एलटीक्यू लर्न थ्रू क्वेश्चंस, राइट? आ जाइए, अब हम देखेंगे कि इसका मास निकाल के सबसे पहले काम किया हमको मास निकालना है। एक बात बताइए, डिस्क है, इसका मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम पे? तो आपका आंसर है एरिया पे। अगर आपका आंसर एरिया पे है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्मा बराबर होगा। देखिए जैसे आपको एक बात बताओगी कि एक बॉडी रूम है, उसकी डेंसिटी अगर रो है तो उसके एक छोटे से छोटा पार्टिकल की डेंसिटी भी रो होगी या एक सेक्शन की डेंसिटी भी रो होगी। सिमिलरली जब हम बॉडी ऐसी लेते हैं जो प्लेनर बॉडीज है, तब अगर सिग्मा उसका कॉन्स्टेंट है तो उसके हर कंस्टिट्यूएंट का या हर एक पार्ट का सिग्मा बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रही? इसी को बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। अब देखिए, टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू छोटू मास बाय छोटू एरिया, करेक्ट? टोटल मास कितना है, टोटल मास आपने बोल दिया हाँ भाई एम है, टोटल एरिया बाय आर स्क्वायर है। तो छोटू मास कितना है, छोटू मास मैंने मान लिया एम है, मुझे छोटू का एरिया पता करना है। ये सेंटर, ये आउटसाइड पेरिफेरी का पॉइंट, ये डिस्टेंस होती है रेडियस आर, तो इसका सेंटर क्या होगा, आर बाय टू पे, तो मेरा आ गया पाई आर बाय टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह एम बाय फोर, मतलब ये जो मैंने मास यहाँ पे निकाला है और मास जो यहाँ पे मैंने पुट किया है वो है एम बाय फोर। क्या चीज क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया, बात चल रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि भैया मैंने एम बाय फोर को मैंने ऐड कर दिया, जैसे मैंने ऐड किया कि कंप्लीट डिस्क बन गई, मैंने m by 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने नेगेटिव मास पुट कर दिया, इस समझ लीजिए नेगेटिव मैंने यहां मास पुट कर दिया, राइट? अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो दिस बॉडी m1, अब ध्यान से कि ये ओरिजिन है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है, और ये ओरिजिन है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहां है, r by 2, 0। ये जो नेगेटिव मास की बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, माइनस r by 2 पे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 into r1 that is m into 0 plus m2 into r2
that is minus m into r by 2 divided by m1 plus m2, m plus minus m. अब मैं m की वैल्यू पुट करता हूँ, m की वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्या आएगा, m by 4 into r by 2 divided by m minus m by 4. मुझे पता है ये m by 4 into r by 2 divided by m minus m by 4 क्या होता है, 3m by 4, m by 4 ने m by 4 को मार दिया, मेरा आंसर आ गया, माइनस का साइन कहाँ चला गया, ये रहा, ये हो गया माइनस r by 6. माइनस r by 6 का मतलब समझे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में r by 6 डिस्टेंस पे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में r by 6 डिस्टेंस पे मेरा सेंटर ऑफ मास आ गया इस कर्व सेक्शन का या कैविटी प्रॉब्लम का. क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? मैं आपके ऊपर दो बढ़िया एग्जांपल और दूंगा, आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, आप बोलेंगे कि हाँ अब मुझे ग्रेविटी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, नेगेटिव मास से डर नहीं लगता, मैं इसको काफी अच्छे से अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ. तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम LTQ. अब ये डायग्राम देख के आप सोच रहे होंगे कि अभी अपन ने इस टाइप का प्रॉब्लम देखा था, बिल्कुल देखा था, वो था डिस्क. ये है यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर क्या रखा है, सॉलिड स्फीयर रखा है, ये मैंने सॉलिड स्फीयर रखा है और उसका मास इनिशियली m माना है, रेडियस r मानी इनिशियली, जब मैंने कैविटी नहीं निकाली थी, जब मैंने सेक्शन को कार्व आउट नहीं किया था. अब मैंने क्या किया, इस सेक्शन को कार्व आउट करके फेंक दिया, आपको निकालना है न्यू पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. आप बहुत स्मार्ट है, आप क्या करेंगे, वही अप्रोच लगाएंगे जो मैंने पहले आप लगाई थी, नेगेटिव मास का कांसेप्ट यूज करेंगे, आप माइनस m करेंगे, प्लस m करेंगे, इसको आप ऐसा बना देंगे, कैसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, गजब बना देंगे इसे, ये हो जाएगा एक कंप्लीट स्फीयर बन गया ब्लू कलर का, राइट, ये रेड कलर का एक और स्फीयर बन गया विद अ नेगेटिव मास. मतलब ये सिस्टम मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर का पॉजिटिव मास और छोटा स्फीयर का नेगेटिव मास, बस बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. लेकिन यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा अपने को, मास निकालना है. सबसे पहले क्या निकालना है, मास निकालना है. अब दोस्तों बताओ क्या यूज करो, लैम्डा सिग्मा रो, यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर यूज होगा रो, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका मतलब rho is equals to rho dash, मतलब mass by total volume equals to छोटा mass by छोटा volume. mass बोलो दोस्तों, mass mass m है, volume कितना होगा 4 by 3 pi r cube, छोटा mass तो m ही है और छोटा 4 by 3 pi r by 2 the whole cube, right? तो यहाँ पे से आपको जब solve करोगे तो आएगा m by 8. इसका मतलब इस बार आपने m by 8 mass को निकाला है और m by 8 mass को add किया है, लेकिन जब मैं बड़े स्फीयर का सेंटर ऑफ मास लूंगा तब तो सेंटर पर ही आएगा, लेकिन मैं छोटू स्फीयर की बात करूंगा तो उसका सेंटर आएगा प्लस r by 2 कॉमा 0 पर, इसका नेगेटिव मास वाला जो स्फीयर है उसका. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m into x1, ये तो 0 है, और जो छोटू मास की बात करेंगे वो माइनस m into प्लस r by 2 डिवाइडेड बाय m माइनस m, राइट. तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं m प्लस माइनस m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो दोस्तों अब मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा तो जाएगा m by 8 into r by 2 with a negative sign, this is m minus m by 8, ये जाएगा m minus m by 8 क्या 7 m by 8, मतलब ये हो गया m by 8 into r by 2 माइनस के साथ ये हो जाएगा 7 m by 8, m by 8 ने m by 8 को मार दिया, मेरे पास बचा माइनस r by 14 units. इसका मतलब दिस टाइम इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाय अ मैग्नीट्यूड ऑफ r बाय 14, क्लियर. चलिए दोस्तों ये और प्रॉब्लम ले लेते हैं दो, और उसके बाद आपको सब कुछ स्मूथ हो जाएगा. यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे LTQ3 क्या क्या बने, वही आप डिस्क ले लीजिए, वही बर्न कॉन्सेप्ट, वही रेडियस, डिस्टेंस इस बार सी दे रखिए और जो कार्व आउट किया है उसका रेडियस मैंने बी दिया है, क्लियर. तो आई होप आप ये प्रॉब्लम कर लेंगे. एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूं, बेसिकली करना क्या है, प्लस m माइनस m, बाकी सब कुछ है. आपको सिग्मा सेम लगाना है, तो मास बाय 4 मास बाय पाई a स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल मास बाय पाई b स्क्वायर, राइट. यहां से आप स्मॉल मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, xc1 m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट. यहां पे
मास आप कैपिटल एम पुट करेंगे, स्मॉल एम मास नेगेटिव मास पुट करेंगे, एक्स टू की वैल्यू का पुट करेंगे दोस्तों, एक्स टू की वैल्यू होगी सी सेंटर, ये एक्स वन हो जाएगा जीरो, और फिर आप एज इट इज वैल्यू पुट कर दीजिए एम वन और माइनस एम टू की, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली कुछ कुछ किताबों में, कुछ कुछ अच्छी किताबों में पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। क्या गिवन है? एम वन इंटू आर वन माइनस एम टू इंटू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, और वो बोलते हैं कि ये जो एम वन है, ये जो एम वन है ये मास है बिफोर कटिंग, बिफोर कार्विंग आउट द सेक्शन, और ये मास है द मास रिमूव्ड, मास रिमूव्ड, जितना मास उन्होंने रिमूव किया है, राइट। आर वन क्या है? आर वन ओरिजिन से मानी हुई डिस्टेंस कहां की? एम वन मास के सेंटर की। और आर टू क्या है? ओरिजिन से मानी हुई डिस्टेंस कहां की? आर एम टू के सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो आप एज अ फॉर्मूला भी रख सकते हैं इसको चाहें तो, और ना चाहें तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है? एक रॉड है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, राइट। रॉड का लेंथ कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग कि एक पार्ट को, राइट, 1/10 लेंथ को मान लीजिए यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, ये 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर को यहां से उठा के मैंने इधर रख दिया एक्सट्रीम में, यहां से मैंने घटा के वहां रख दिया। ठीक, अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने यहां से हटा दिया, राइट, हमने यहां से हटा दिया इसको, तो यहां पे ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हटा दिया ना मैंने और यहां पे मैंने डबल मास पुट कर दिया, यूनिफॉर्म रॉड मान के चला। ठीक है, हम एक काम ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम रॉड बनाते पूरी, राइट, यहां पे मास ऐड करते और यहां पे मास सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस है जो मैंने ऐड किया है मास को मैंने रॉड को दे दिया तो रॉड कंप्लीट हो गई। ठीक है, और यहां पे मैंने एक्स्ट्रा मास पुट कर दिया है वो है मेरा प्लस है। क्लियर, देखो सिमेट्री से आप निकाल सकते हैं कि अगर ये 100 सेंटीमीटर की रॉड है तो 10 सेंटीमीटर में मास m बाय 10 होगा, मतलब यहां पे मेरे पास m बाय 10 मास पड़ा है, यहां पे मेरे पास प्लस m बाय 10 मास पड़ा है और इसके सेंटर पे m ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस सिस्टम को मैंने तीन सिस्टम में ब्रेक कर लिया, 1, 2 और 3। क्लियर, चलिए मैं इसको ओरिजिन माना था पहले जब ये मास रिमूव नहीं किया था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था? सेंटर पे। जैसे मैंने मास रिमूव कर दिया तो बताओ बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास क्या ओरिजिन पे होगा या लेफ्ट राइट चला जाएगा? ये जाएगा टुवर्ड्स राइट, द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द हेवियर मास। चलिए दोस्तों आ जाइए, तो हम निकालेंगे इसमें पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री। 203 क्यों ले रहा हूं, यहाँ पे तीन सिस्टम बना दिए, ये और वो, याद है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये देखा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब यहां अगर मैंने ओरिजिन कंसिडर करा है, यहां मैंने ओरिजिन कंसिडर करा है, तो दोस्तों मुझे ध्यान से सोच के बताओ, इस रॉड का, बड़ी वाली रॉड को मैं एम वन बोल रहा हूं, इन दोनों को मैं छोटे छोटे एम बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़ी वाली रॉड का क्या कोई मास चेंज हुआ है? नहीं दोस्तों, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी? वो भी चेंज नहीं होगी, तो ये तो हो गया मेरा जीरो। ओके, अब मैं इस छोटे मास की बात करूं, ये वाले मास की, एम बाय 10 की, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इसका सेंटर ऑफ मास क्या इसके सेंटर पे है? ये चीज यहां पर, करेक्ट। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक लेंथ 50 है तो ये 10 है तो ये होगी 5, मतलब यहां से 45 लेंथ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये जाएगा m by 10 into 45 सेंटीमीटर, m by 10 into 45 सेंटीमीटर प्लस यहां पे मैंने नेगेटिव मास है, राइट, और डिस्टेंस यहां से निकालते हैं पोजीशन, बेसिकली पोजीशन कितनी है, अगर वो 45 भी है तो ये भी माइनस 45.0 होगी। दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम का बड़ा गजब खेल है यहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस m by 10
into minus 45 divided by sum of all the masses. Sum of all the masses. जब मैं sum करूँगा सबका, तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ? मैंने कुछ किया तो है ही नहीं change. Mass तो अभी भी m ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया बस. मैंने mass का घटाया या बढ़ाया नहीं है, तो अभी भी mass m ही रहेगा. और आपको नहीं भरोसा तो काम करते हैं अपन, m प्लस m by 10 माइनस m by 10, खेल खत्म. ठीक है, वापस m by 10 आ जाएगा, m आ जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा m into 45 by 10 into 2. तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो गया मेरा 90 by 10 divided by m. m से m get cancelled, you will get 9. You get 9 centimeter. 9 centimeter. इसका मतलब पहले जो पोजीशन ओरिजिन पे थी, पहले जो पोजीशन जिन पे थी, अब वो जिन प्लस 9 पे हो गई है. मतलब सेंटर ऑफ मास 9 यूनिट्स यहां शिफ्ट हो गया. क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया. रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है. हार और जीत तो लगी रहती है दोस्तों, हार के जीतने का मजा ही कुछ और है. स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग.